बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भले ही 2 हफ्ते बीत चुके हों, लेकिन अभी भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हाल में ही एक्टर की मौत से जुड़ी ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबरों के मुताबिक सुशांत ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह आत्महत्या बताई गई है, लेकिन पुलिस जांच में एक्टर की मौत से जुड़ी कई बातें सामने आई। सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत ने जिस कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी वहां जमीन पर बाथरोब के कुछ टुकड़े मिले हैं। खबरों के मुताबिक पुलिस को शक है कि शायद सुशांत ने पहले आत्महत्या की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। जांच में ये बात सामने आई है कि सुशांत ने पहले बाथरूम में मौजूद अपने बाथरोब को फंदे के तौर पर इस्तेमाल किया था लेकिन वो टूट गया। इस तरह सुशांत पहली बार आत्महत्या करने में कामयाब नहीं हो सके थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की अलमारी में कपड़े भी बिखरे हुए पाए गए थे, लिहाजा पुलिस को शक है कि बाथरोब के टूट जाने के बाद उन्होंने अपनी अलमारी को खंगाला और उस हरे रंग के कुर्ते को निकाला जिसे फंदा बनाकर सुशांत ने सुसाइड किया। खबरों के मुताबिक जब पुलिस सुशांत के घर पहुंची उस वक्त उनकी बहन और कमरे में मौजूद लोगों ने उस हरे कुर्ते को काटकर सुशांत की बॉडी को नीचे उतार लिया था। पुलिस ने इस हरे रंग के कुर्ते को फिलहाल फॉरेंसिक लैब में भेजा है। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से दोबारा पूछताछ की जाएगी। पुलिस उनसे सुशांत और रिया चक्रवर्ती की कंपनी से जुड़े कई सवाल करेगी, साथ ही सुशांत के फाइनेंस को लेकर पूछताछ की जाएगी। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के भाई से भी पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके फैंस काफी गुस्से में हैं। फैंस का दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। सुशांत के फैंस बॉलीवुड पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उनका मानना है कि सुशांत को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे। वहीं सुशांत के डॉक्टर का कहना है कि एक्टर पिछले 1 साल से डिप्रेशन में था, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन सुसाइड से 1 हफ्ते पहले उन्होंने अपनी दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।